हेलो दोस्तों, तो आपने ओनर प्रे के रिव्यूज तो अभी तक काफी देख लिए होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं तो आपके लिए काफी मैटर कर सकते हैं और हो सकता है काफी जरूरी हो आपके लिए जानने। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं। मैं हूं रजत गोयल, आप देख रहे हैं TechRJ। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यार, ओनर प्रे की अगर आप बात करें, सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं, इस फोन में आपको पूरा मेटलिक बैक देखने के लिए मिलता है, पूरा मैट फिनिश आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप देखेंगे काफी अच्छा लुक आपको इस फोन में देखने के लिए मिलेगा। कैमरास का जो बल्ब है वो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। पीछे की तरफ यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और आगे की तरफ भी अगर आप बात करें यहाँ पर नोच डिजाइन देखने के लिए मिलता है। बेजल्स बहुत छोटे हैं और नोच भी यहाँ पर ज्यादा बड़ी नहीं है। तो बिल्ड एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, इस फोन में कोई भी इश्यूज नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं डिस्प्ले पैनल की, मुझे हमेशा से ओनर के डिस्प्लेस काफी सुंदर लगते हैं, और इस फोन में भी यार अगर आप ओनर के डिस्प्लेस को देखते हैं ना, आपको लगता है कि ऊपर एक शीट बिछाई गई है। ये डिस्प्ले नहीं है, एक ऊपर अलग से शीट है जिसके अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना अच्छा मुझे ओनर के डिस्प्लेस ऑलरेडी लगते हैं। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, इस फोन में जियो और एयरटेल दोनों सिम्स को यूज किया है, और कोई भी इश्यूज आपको कॉल क्वालिटी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वोल्टी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डाटा स्पीड्स की, डेफिनेटली इस फोन में थोड़े बहुत इश्यूज आपको डाटा स्पीड से रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि रिसेंटली काफी सारे लोगों को जियो के साथ एक इशू आ रहा है कि वो अगर हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो डाटा यूज नहीं कर पाते हैं। अब उस इशू को फिक्स करने के लिए मैंने आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताया था कि आप एपीएन को चेंज करके जियो डाटा पर सेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज आप इस फोन पर नहीं कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। अगर आप किसी भी रेडमी के फोन पर करेंगे या किसी भी फोन पर करेंगे, जियो डाटा सेट करके आपका नेट अच्छे से चलता है, लेकिन इस फोन में अगर आप जियो डाटा सेट करते हैं तो डाटा बंद हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा इशू है ओनर के फोन के साथ। आई होप कि अगर ये कोई सॉफ्टवेयर इशू है तो जल्दी से जल्दी इसको फिक्स कर दिया जाए। उसी के साथ अगर आप यहां पर बात करेंगे सिम स्लॉट की, यहां पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक सिम के साथ आप एसडी कार्ड यहां पर यूज कर सकते हैं। और मेमोरी और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, 4GB 64GB वाले वेरिएंट है जो आपको 20,000 की प्राइस में देखने के लिए मिलता है, और मेरे हिसाब से 64GB काफी है मेरे लिए। तो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप इस फोन में एक ही सिम यूज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फोन में आपको 4GB का रैम देखने के लिए मिलता है। उसके साथ अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो इस फोन में आपको फ्लैगशिप ग्रेड का किरिन 970 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन रुक जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में एक चीज आपको अभी तक नहीं पता है, जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई है। इस फोन में डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। एक बार के लिए अगर आप पबजी शुरू करेंगे तो यहां पर मेरे पास पोको फोन भी है, दोनों में से आपको लगेगा कि यार ओनर पर ज्यादा स्मूथ चल रही है 845 से भी, और परफॉर्मेंस आपको लगेगा कि किरिन 970 की बेटर है 845 से। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है हीटिंग इशू। इस फोन में अगर सिर्फ आप 5-10 मिनट के लिए भी पबजी को खेलेंगे, इस फोन में बहुत ज्यादा हीटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस फोन में मैंने लगातार 3 घंटे पबजी खेली, लेकिन कोई भी हीटिंग इश्यूज मुझे देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर ओनर प्ले की, वहां पर हीटिंग इश्यूज डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की बात करें, मुझे लगता है कोई भी इश्यूज नहीं है, दोनों चीजें डिसेंटली काम करती हैं। बैटरी की अगर आप बात करें तो इस फोन में आपको लगभग 3700 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है, और अडेप्टर भी आपको इसके बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। चार्जिंग टाइम की अगर आप बात करें, लगभग 1 मिनट में आप 1% चार्ज कर सकते हैं फोन को, तो लगभग आप समझ सकते हैं 1.5 घंटा या 1 घंटे 40 मिनट में आप फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे। स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं, लगभग 5.5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फोन पर देखने के लिए मिलता है, और मुझे लगता है कि इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस एटलीस्ट काफी स्टेबल है। आज तक जो भी मैंने ओनर के फोन यूज किए हैं, मुझे लगता है बैटरी परफॉर्मेंस उनमें ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, लेकिन इस फोन में ऐसा कोई भी इश्यूज मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं। हो सकता है जो लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से यहां पर बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। यहां पर कैमरास की अगर आप बात करें, आपको इस फोन में 16+2 के डुअल रियर कैमरास और 16 MP का ही फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। और कैमरास मेरे हिसाब से इस फोन का एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इस फोन के कैमरास को किसी भी फोन के साथ कंपेयर करेंगे इस प्राइस रेंज में, अगर आप रेडमी नोट 5 प्रो से भी कंपेयर कर देंगे, जो कि इससे काफी कम प्राइस में आता है, उसके बाद एमआई A2 आ जाता है, उसके बाद यहां पर एक पोको फोन आ जाता है, किसी भी फोन से कैमरा क्वालिटी में कंपीट नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। हालांकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फोन में कैमरा फीचर्स आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो चेकआउट अब तक नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर कार्ड्स और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस फोन को यूज करें तो उन सारे फीचर्स को आप एक बार जाकर ट्राई जरूर कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। अगेन अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहां पर पोर्ट्रेट मोड में एजिंग वगैरह में काफी सारे इश्यूज पहले से हैं ओनर में, और इस फोन में भी आपको देखने
देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यार 2 मेगापिक्सल के कैमरा की वजह से हैं। पता नहीं ओनर इस 2 मेगापिक्सल को चेंज करके 5 मेगापिक्सल क्यों नहीं देके आता, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाए। यार 1000 रुपये ज़्यादा दे देना, लेकिन 2 मेगापिक्सल को हटा के 5 मेगापिक्सल लगा दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आप फीचर्स की बात करें तो इसमें अल्ट्रा HD 4K आप शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन की अगर आप बात करें 120 FPS पर फुल HD क्वालिटी में आप शूट कर सकते हैं। GPS की अगर मैं बात करूं, GPS भी मैंने इस फोन को काफी दिन हो गए यूज करते हुए, GPS भी यूज किया है, कोई भी इश्यूज नहीं है। अगर आप लोकेशन की बात करें, लोकेशन ट्रैकिंग की बात करें, या इवन मूवमेंट की बात करें, काफी अच्छे से दोनों ही चीजों को ट्रैक करता है और काफी एक्यूरेटली आपको दिखा देता है। इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन इस फोन का काफी अच्छा पॉइंट है, काफी अच्छा एक प्रो है, या आप बोल सकते हैं USB है, जिसकी वजह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस में डाटा ट्रांसफर वगैरह की देखने के लिए मिल जाएगी। इस फोन में आपको 3.5 ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। अब एक चीज और जो मैं आपको इस फोन के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस फोन में 3.5 ऑडियो जैक और लाउडस्पीकर दोनों ही क्वालिटी एवरेज है, यहां पर उतनी लाउड नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत लाउड लाउडस्पीकर आपको चाहिए या बहुत लाउड वॉइस चाहिए आपको ईयरफोन्स के अंदर से 3.5 ऑडियो जैक की तरफ से, वो यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर इवन मैंने यहां पर कंपेयर किया इसकी लाउडनेस को पोको F1 के साथ, मुझे लगता है कि इसकी लाउडनेस काफी कम रह जाती है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी भी और फोन से। इस फोन के सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें तो इस फोन में आपको EMUI 8.2 देखने के लिए मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ओरियो पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, बिल्कुल लैग फ्री है, काफी अच्छे फीचर्स भी आपको उसकी वजह से देखने के लिए मिलते हैं, और जैसे फीचर्स आपको MI के फोन्स में देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही फीचर्स आपको इस फोन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगेन अगर आप इस फोन के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जो कि काफी अच्छी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर कार्ड्स और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन LED भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको ये चीज जाननी थी तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लाउडस्पीकर के अंदर आपको LED देखने के लिए मिलती है, और मल्टी कलर LED है, सिर्फ व्हाइट कलर की नहीं है, यहाँ पर रेड, ग्रीन और काफी सारे कलर्स हैं। मल्टी कलर LED आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाती है नोटिफिकेशन के लिए, और इस फोन के बॉक्स के अंदर आपको एक कवर भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी क्वालिटी अगेन काफी अच्छी देखने के लिए आपको मिलती है। अगर आप इस फोन पर बात करेंगे, काफी अच्छे से वो फिट भी होता है, और इवन अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो काफी हार्ड सा लगता है और काफी अच्छे से इस फोन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो लास्ट में अगर मैं प्रोस एंड कॉन्स की बात करूं, मेरे हिसाब से इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है और इस फोन की लुक है, वो इस फोन का बहुत बड़ा प्रो है। उसके बाद इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी एक प्रो है, लेकिन वहां पर हीटिंग है जो एक बड़ा इशू है। उसी के साथ अगर आप इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी इस फोन का एक काफी बड़ा प्रो है, जो कि काफी अच्छे से चलती है, और क्विक चार्ज का सपोर्ट भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। कॉन्स की अगर आप बात करें, कुछ बुरी चीजों की अगर आप यहां पर बात करें, तो इस फोन में पहली चीज आपको हीटिंग इशू है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉन है। उसके बाद यहां पर लाउडस्पीकर की जो लाउडनेस है वो एवरेज है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से काफी लोगों के लिए कोन हो सकता है। और तीसरा कोन जो अगेन एक बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, वो है इस फोन के कैमरास। इस फोन के कैमरास आपको उतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिलते। यार मैं कितने बार ये चीज बोलूं, 2 मेगापिक्सल का कैमरा मुझे लगता है कि फालतू है, वो उतने अच्छे से एज डिटेक्शन नहीं कर पाता है। तो यही था वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल अच्छा है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगेन वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।